लोकसभा चुनाव के दो चरण खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह नगर इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने नाम वापस ले लिया है, यानी वे चुनावी मैदान से बाहर चले गए हैं। इससे यहां भाजपा की जीत का रास्ता साफ माना जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम सोमवार को भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में अब इंदौर में भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में अक्षय ने 4 नंबर सीट से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने तब उन्हें टिकट नहीं दिया था। लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम सोमवार सुबह कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। उनके साथ भाजपा विधायक रमेश मेंदोला और MIC मेंबर जीतू यादव थे। अक्षय ने नाम वापस लिया और फिर मेंदोला के साथ कार्यालय के बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फेसबुक पर अक्षय के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अक्षय का भाजपा में स्वागत है। वे अक्षय को लेकर सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे। उधर बम के अचानक नामांकन वापस लेने से कांग्रेस नेता नाराज हैं। वे उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बम के नामांकन वापस लेने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स कर लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। इसके अलावा पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास और देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा PM नरेंद्र मोदी और भाजपा पर है। कांग्रेस की हालत यह है कि उम्मीदवार भी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इंदौर के उम्मीदवार आज भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस देश को विनाश की ओर ले जा रही है, इसलिए अब उसके उम्मीदवार भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अक्षय बम के निवास पर पुलिस तैनात हो गई है। पुलिस को आशंका है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बम के निवास पर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस दौरान तोड़फोड़ ना हो, इसलिए पुलिस तैनात की गई है। बता दें, पिछले दिनों गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा की निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी ने ही भाजपा से हाथ मिला लिया था।